अच्छा लग रहा है ना वो टूल का। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर और हम जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से, जो बहुत सुना था लोगों से कि बहुत अच्छा है। तो हमने सोना से डाइवर्ट हो गए टूवर्स मुंबई एक्सप्रेसवे एंड वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा है। अभी एक टोल टैक्स पड़ा था और ये सेकंड टोल टैक्स पड़ा था। बाय, आप देखो नोट को। फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने शुरुआत की, आयुष ने ब्लॉग की शुरुआत की थी कि हम एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे जो है, हम जाएंगे अपनी नानी के पास। नानी के पास जा रहे हैं हम और मेरी मम्मी नायशा की नानी ऑफकोर्स। एंड वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर धूप आ गई, फिर वापस बारिश आ गई और हमने भी अलवर क्रॉस किया है एंड बिलीव बस लंच किया है हमने और थोड़ा एक स्टॉप लिया था हमने अलवर एग्जिट पे, एग्जिट नहीं करा, अलवर के लिए एग्जिट था यहाँ पे। और बस अभी यहाँ से 2 hours दिखा रहा है जयपुर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम वाइम मुझे नहीं पता, हो सकता है उस पर कब लगता, मेरे को लगता सेम भी हो सकता है कि सेम हो, थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है क्योंकि बिल्कुल, ऑफकोर्स देखिए एक्सप्रेस वे है तो ट्रैफिक कैसे होगा ना, तो ट्रैफिक नहीं है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। मैंने बहुत सुना था, लोगों को देखा था इस रोड पे जाते हुए, वीडियोस डालते हुए, बट मैंने खुद ने तो ड्राइव किया, तो आई मस्ट मीन्स मैं सही में बता रही हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इतना रश है और हम दिल्ली से निकल के आते हैं ना, दिल्ली में तो सबको पता है कितना बुरा हाल है, तो उस अकॉर्डिंगली है जो व्यू है बहुत अच्छा है। देखिए साइड्स में पहाड़, अरावली पूरा ना, अलवर एरिया है तो पूरा अरावली से तो चलो फ्रेंड्स, घर पहुंच के आपको दिखाते हैं हम जा क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सब कुछ आपको साथ शेयर करेंगे। और देखो अचानक धूप आ गई, अभी बादल बारिश हो रही है और धूप आ गई है, वाह ये देखिए, और यहाँ देखो बारिश हो रही है, यानी ये है वेदर, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। ये देखो ना मेरे ऊपर धूप पड़ रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे जयपुर पहुँच के, बाय। फ्रेंड्स, हम जयपुर पहुंच गए ऑलमोस्ट, ये देखिए बस ही आ गया है और बस थोड़ी देर में जयपुर आ जाएगा। और सामने सीन इतना अच्छा है कि मेरे से रहा नहीं गया वीडियो ऑन करे बिना, तो इसलिए मैंने ऑन कर दिया। एंड फ्रेंड्स, वी हैव एंटर्ड जयपुर। तो फ्रेंड्स, बस हम जयपुर पहुंच गए हैं और ये नायशा कुशा के साथ खेल रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आए थे, ये ब्लॉग बहुत पुराना है, सॉरी, ये है नवरात्रि का ब्लॉग और हम आए थे कुशा के मुंडन के लिए, इसका मुंडन कराए थे, नवरात्रि में मुंडन अच्छा रहता है तो इसीलिए इसके मुंडन के लिए आए थे। छोटी है पर टाइम से करा लिया, तो अब टेंशन नहीं रहती है बालों की ना, छोटे बच्चे का लगता है टाइम से हो जाए। तो हम जाएंगे कुशा के मुंडन के लिए, इसीलिए मैं जयपुर गई थी कार से। तो देखो हमारी कुशा को भी बालों के साथ, और बाद में देखिएगा टकलू, ये रही मेरी क्यूटी पाई, आई लव यू बेबी। के जाके रिलैक्स हर कोई करता है, तो बस ये देखो मम्मी बैठे हुए हैं और वो कुशा लेटी हुई है और मैं, और फिर हम सुबह सुबह चल दिए थे हमारी माता के लिए, कुलदेवी के लिए। तो ये मेरे मायके की ऑफकोर्स माता है, कुलदेवी हैं, गटवासन माता जो कि गुड़ाचंद जी में है, ये रहा, ये है हमारी कुलदेवी माता का मंदिर।
काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है अभी, पहले तो कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, शॉप्स नहीं थे, अब शॉप्स भी खुल गई हैं। तो यहाँ पे सवामनी होती है, जो भी सब अपने रिचुअल्स करते हैं, किसी की चल भी रही थी पूजा वूजा। तो ये है हमारा मंदिर, नाइशु मैं और आयुष, और यहाँ पे बड़े भैया जो है ताऊजी के बेटे प्रेमी भैया वो भी आ गए थे, क्योंकि वो बस ऐसे ही आए थे क्योंकि नवरात्रि चल रही थी तो दर्शन अच्छे रहते हैं माता के, कुल देवी के, तो वो भी आ गए थे भाभी, वो उनके बच्चे पूरा चंद्र जी में करौली डिस्ट्रिक्ट पुष्पेंद्र और ने तीनों बच्चे थे, मेहरों की माता छोटी सी क्लिप लिए है, तो चलिए एंजॉय कीजिए, देखिए कैसे होता है हमारे यहाँ पे मुंडन, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से हम ऊपर जाते हैं माता के दर्शन के लिए और फिर देखते हैं, और ये हमारी माते आ रही हैं सीढ़ियाँ चढ़ के लेंगे लुगड़ी में, ये है कुशा, कुशा की मम्मी, हमने कहा चलो कुशा का फोटो ले लेते हैं पहले, अब बिफोर और आफ्टर जरूर शेयर करेंगे फिर। देखो हंस रही है। गटवासन माता, गटवासन मैया की जय। तो ये एक्चुअली हमारे मेहर, जैसे मेहर गोत्र है ना मेरी, तो ये मेहर मेहरों की देवी है, सबके आप अपने गोत्र के हिसाब से देव पूजा जाता है, तो ये मेहर जो होते हैं हमारे मीणा में उन लोगों की देवी हैं, और ये पंडित जी हैं, सारा जो भी मम्मी लाई थी कपड़े वपड़े वो पहनाते नहीं, बाद में पहनाते हैं, मम्मी ने दे दिए थे, पूरा वेश लाई थी मम्मी, पूरे कपड़े लाई थी देवी के, तो वो सब दे दिए, भाई खड़ा है, तो बस अब मम्मी पहनेंगी परिक्रमा रिकम्मा और फिर मैं हम कराते हैं मुंडन। तो मुंडन के लिए क्या होता है ना, मंदिर में ही नाई बैठे होते हैं तो वो आ जाते हैं प्रॉपर मुंडन, तो देखो अब वो पहले जो होता था ना उस तरह से करते थे, वो नहीं करते हैं आज के टाइम में, आज के टाइम कैंची से सिर्फ सिंपल काट देते हैं, बाद में फिर आप करवा लो, तो वही यहाँ पे हुआ था। बाल काटने के बाद थोड़ी सी सर पे हल्दी लगा दी जाती है एंड बस ये हो गया इसका मुंडन, नेक दे दिया नाई को और डन। अभी जो बाल जो थे भुआ जो है ना पल्ले में लेती है अपने चुन्नी में जैसे मैंने लिए थे, और उन बालों को फिर एक जो आटा होता है आटे की लोई होती है उसके अंदर भर देते हैं और इस तरह से बंद करके और फिर ये भैरव बाबा पे चढ़ा दिया जाता है बालों को, तो अब ये टेंशन फ्री है, इसके बाद कहीं घूम सकती है तो बालों का टेंशन नहीं रहता है। तो बस ये हो गया हमारी कुशा का मुंडन, हमारी बेटी हो गई टकलू ये देखिए, लेकिन देखो अच्छे से नहीं हुए तो बाद में हम जीरो मशीन खुद ही ले गए थे अपने साथ, तो हमने वो चला दिया था
ये है हमारे भैरव बाबा, तो भैरव बाबा की जय। और यहाँ पे भैरव बाबा पे हम इन बालों को अर्पित कर देंगे। और ये भाई है, भाई भी अगरबत्ती लगा रहा है, तो बस इसीलिए आए थे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हमने खाना वाना खाया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। मैं लगा देती हूँ म्यूजिक, आप इंजॉय कीजिए। तो काफ़ी टाइम से ड्यू चल रहा था ये ब्लॉग, और एक मेमोरीज तो हमारे पास रहती हैं। ये रहे देखिए, जो मैं बताई थी, ताऊ जी के बेटे यानी सबसे बड़े भैया भाभी, उनकी बेटी प्रीति यानी, और ये वो सामने रेड में खड़ा उनका बेटा है, और ये हमारी देखिए कृपासन माता मंदिर का व्यू, बाहर से बहुत अच्छा व्यू है, पहाड़ों में बनी हुई है माता। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। इसके बाद हम चले गए थे, छोटी भाभी है ना बिमला भाभी के गांव में, तो ये वहाँ का व्यू है। छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो बस थोड़ी देर के लिए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, जो नया ब्लॉग आएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो बस चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। मामी, हाय। चलो भाभी को वीडियो करना।